इन दिनों सोलन व आसपास के क्षेत्रों में किसानों द्वारा लगाई गई लहसुन की फसल में व्हाइट रूट नामक रोग का प्रकोप देखने को मिला है। वहीं इसके चलते डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी के वैज्ञानिकों ने इस तरह के रोग से निपटने के लिए किसानों को सलाह दी है कि वैज्ञानिकों की माने तो इस साल फरवरी व मार्च माह से अधिक बारिश होने के चलते किसानों के खेतों में नमी बढ़ गई है, जिसके कारण लहसुन के फसल में तने को लेकर लहसुन के गट्ठे तक फफूंद आ जाती है। इस तरह के रोगों से बचने के लिए किसानों को चाहिए कि वे लहसुन की फसल को हर बार एक ही खेत में न लगाएं, बल्कि हर बार अलग खेतों में लहसुन की फसल लगाएं। वैज्ञानिकों ने ये भी सलाह दी है कि हो सके तो किसान फसल चक्र के दौरान गेंदा फूल की फसल भी लगाएं, क्योंकि गेंदा फूल के जड़ों में ऐसे तत्व होते हैं जो जड़ों में होने वाले फफूंद के जीवाणुओं व कई कीड़ों को रोकने में सक्षम है, और इसी फसल के लगाने से लहसुन में लगने वाले व्हाइट रोट नामक रोग से निदान मिलेगा। वहीं नोनी विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के HOD डॉक्टर HR गौतम ने बताया कि इन दिनों किसानों द्वारा लगाई गई लहसुन की फसल में व्हाइट रूट नामक रोग का प्रकोप देखने को मिला है, जिसे निपटने के लिए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वे हर साल एक ही खेत में लहसुन की फसल ना लगाएं, और हो सके तो गेंदा फूल की फसल को लहसुन लगाने वाले खेत में एक बार जरूर लगाएं। बार नई जो रोग है वो व्हाइट रॉट, जिसको सेक्लोरशियम रॉल्फसाई फंगस के नाम से है, तो उसका भी प्रकोप कई जगह देखने को मिला है। और ये किसानों को ये जो रोग है, क्योंकि ये पहले ज़्यादा उसमें नहीं देखा गया है, तो ये इस रोग के बारे में समझने की आवश्यकता है। अब इस रोग में जिस तरह से इस बार फरवरी मार्च में लगातार जो है बारिश और वर्षा का लगातार रही है बारिश, उससे क्या होता है कि हमारे खेतों में नमी अधिक हो जाती है, और उस नमी के कारण ये फफूंद जो होती है वो तने से लेके और जो नीचे इसके गट्ठे बन रहे होते हैं तो उनमें ये फफूंद आती है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने किसान भाइयों को बताऊंगा कि वो ऐसा प्रयत्न करें कि हर साल उसी लहसुन की फसल को बार बार एक खेत में नहीं लगाएं, तो एक साल का थोड़ा अंतराल दे लें, उसमें हम कोई दूसरी फसल, जैसे आजकल हमारे साथ मटर लगा हुआ है तो मटर की फसल लगा लें, और एक साल का थोड़ा गैप देके, और सबसे अच्छा होगा कि जो हमारा गेंदा फूल होता है वो भी अच्छी तरह बिक जाता है। गेंदे फूल की जड़ों में ऐसे तत्व होते हैं जो कि जड़ों में होने वाले काफ़ी फफूंद के जीवाणुओं को, और यहाँ तक के सूत्रकृमि और कई कीड़े हैं ऐसे, उनको भी वो रोकने में सक्षम है। तो ऐसी एक आधी फसल लगा के जो हमारे ये जो लहसुन है उसकी परिवार की नहीं होनी चाहिए, जैसे प्याज भी मत लगाएं, फिर प्याज भी उसी परिवार से आता है, एक लीक फसल आती है वो भी उसी परिवार से आती है, इससे हटके कोई भी लगा लें तो उससे जो है इस रोग से निदान मिलेगा।